उन्हीं की कृपा से मैं जब उन्हीं के घर में गई और हनुमान जी के उनके घर में स्थापना की, तो आज मेरा भाई सब कुछ काम करता है। अच्छा, स्वस्थ है बिल्कुल। मतलब अभी बात बिल्कुल क्लियर आवाज आती थी, अब उनकी क्लियर आवाज नहीं आती थी। तो ये अब जब बाई आंख फरकती है आपकी, तो क्या करती है? मैं हनुमान जी का नाम लूंगी। अच्छा। तो ये मेरी आंख ठीक हो जाती है। अच्छा, ठीक हो जाती है। मतलब जो भी अरिष्ट आने वाला था थोड़ा वो कम फैल जाता है, कम हो जाता, लाइट हो जाता है। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, फूल बगिया मुस्काए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। ये उस टाइम का है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यम विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूरा नान्या स्प्रेहा रघुपते हृदय स्मदिये सत्यं वदामि च भवांखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरामे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः। जय सियाराम। जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू करना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब आसान हो जाता है, संभव हो जाता है जीवन में। हनुमान जी के कई ऐसे भक्त हैं जिनके कृपा से अभिभूत हैं, चमत्कृत हैं। इसी कड़ी में आज एक भक्त से आपके हम मुलाकात कराते हैं। और आप कांता रावत जी हैं, स्वागत है आपका। जय सियाराम। जय सियाराम। और कांता रावत जी वैसे तो माता जी की भक्त शुरू से ही रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, कुछ ऐसे आपके भीतर कुछ ऐसे भाव जगे कि जिससे कि आप हनुमान जी के प्रति आकर्षित प्रेरित महसूस करने लगी। तो पहले तो ये बताइए हमसे, चूंकि आप लगातार भक्ति भाव में लगी रहती हैं, अभी आपसे बातें हो रही थी कि आज के समय में व्यक्ति अगर ईश्वर आराधना करे, प्रभु की शरण में जाए, तो जीवन में सब संभव हो जाता है। संभव हो जाता है। ये आपका अनुभव है इस तरह का? मेरा अनुभव है। हाँ। जी, मेरे साथ ये घटना हो रखी है ना, जब जैसे मैंने एक बार जो है मेरे जैसे मेरे हस्बैंड के पापा जो ना वो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड गांव चले गए 2006 की बात है ये। अच्छा। और मेरे लड़की और वो गांव चले, बेटा छोटा था, तो बेटा छोटा था तो बेटे के साथ मैं यहाँ रह गई। तो अब मुझे रात में डर लगा कि भाई मुझे इतना डर लगा कि मैं कैसे रहूँ, हस्बैंड भी नहीं है और बेटी भी अकेला कैसे रहूँ। तो रात में ना बिल्कुल चुपचाप बैठ के एकदम सुंदर वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गई कि जय। अच्छा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिल। जैसे प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो पाठ करते करते आधा पाठ में मुझे नींद आ गई। अच्छा। अब मैं सुबह खड़ी उठी। सबसे पहला अनुभव मेरा वो है। अच्छा, मतलब हनुमान चालीसा के पाठ से? हनुमान चालीसा पाठ के ये जो भय है। हाँ, जो भय है मेरा वो समाप्त है। तब से मैं भी, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो 6 बजे एक प्रोग्राम आता था हनुमान चालीसा का। तो हम जैसे 6 बजती थी, बच्चे स्कूल से आते, तो हम मैं बच्चों को लेके वहाँ पे बैठती थी कि चलो बेटा अभी वो हनुमान चालीसा आ गया, उसको सुनते हैं। तो हम उससे मेरे दोनों बच्चों को हनुमान चालीसा
याद हो गया, अभी तक भी उनको वो याद है। स्कूल का टाइम है, मेरे बेटे तब तो पांचवी छठी में हो गया और बेटा तीसरी चौथी में ऐसा होगा, तो तब से मेरे बच्चों को वो हनुमान चालीसा याद हो गया। तो तब से उन्होंने बोला, वो बच्चे बोलते हैं कि मतलब जब भी कोई कुछ हुआ ना तो हनुमान चालीसा उनको अभी भी याद है। ठीक है, पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ये रहा। अच्छा, दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि जब मेरे हमारे पापा थे तो हमारे पापा थोड़ा सुख सागर वगैरह वो बहुत अच्छा मतलब ऐसे धार्मिक किताबें पढ़ते रहते थे, तो वो मेरे को बताते हैं कि बेटा हनुमान जी हर किसी के साथ होता है, माता जी के साथ होता है, हमारे गांव में पांडव लीला होती है उनके साथ हनुमान जी होते हैं, तो हर किसी के साथ हनुमान, बिना हनुमान के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है, तो इसलिए बेटा हनुमान जी को जो है तो उन्होंने मेरे को वही श्लोक याद करा, मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमतां वशं बाता तमने वानर युतम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। तो ये हम जब पूजा करें पंचांग हमारी पूजा होता है तो हनुमान जी का एक श्लोक हम मतलब बाल्यावस्था में ही। हाँ, ये हमें बाल्यावस्था भी क्या, जब शादी हुई तो ससुराल में इतना टाइम नहीं लग पाता, हम दिल्ली आए कि हमने ये मतलब एक्सपीरियंस है हमारा कि हाँ हमारे पापा ये बोलते थे, हमारे पापा ऐसे, तो धीरे धीरे हमें हनुमान जी के बारे में भी पता चला कि हाँ हनुमान जी सबके साथ रहते हैं, सबके साथ हनुमान जी रहते हैं, बिना हनुमान जी का कहीं कोई काम संभव नहीं है, हनुमान जी के बिना कुछ भी संभव नहीं, कोई भी संभव नहीं। अच्छा गाधा जी, आप चूंकि उत्तराखंड के रहने वाली हैं और वहाँ पे देवी भगवती की आराधना होती है, काफी बहुत सारे भक्त हैं जिनके इष्ट देवी माँ है, देवी माँ है। आपने बताया कि आपके इष्ट भी देवी माँ नहीं, हनुमान जी के प्रति कैसे आकर्षित हो गई? हनुमान जी के प्रति ऐसे, वही हमारे पापा जी ने जो वही श्लोक सिखाया था ना मैं, कि पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको चैबदही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान चो विभीषण कृपा प्रसाद सत्य चिरंजीवनो। अच्छा, ये अभी जीवित हैं, ये पांचों अभी, ये सातों अभी जीवित हैं और इनके जीवित रहते इनकी आराधना तुम्हें अवश्य करना है। इसमें हनुमान जी भी आज भी इस धरा पे मौजूद हैं। तो हनुमान जी के मेरा वही एक्सपीरियंस है कि मतलब कुछ भी कुछ होता है तो मैं अगर हनुमान जी का नाम लेती हूँ अपने माँ भगवती की आराधना के बाद, उनके आज्ञा लेके अगर हनुमान जी को बोला हनुमान जी ये ऐसा होना चाहिए, तो मेरा वो काम वहाँ पे सफल होता है। हनुमान जी की इतनी कृपा है मेरे पे। ईश्वर तो मूलतः एक ही है, अलग अलग रूपों में वो भासित होते हैं, वो दिखते हैं, और जो जब जो रूप आपको आकर्षित करे वो उस रूप के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। पिछले साल घर गई, मतलब भाई के घर में पूजा थी हमारे, वहाँ पे भगवती की पूजा चंडी पाठ होता है और सप्तशती का पाठ होता है, तो उन्होंने बोला, तो मैं वहाँ गई, मेरे भाई को ना पैरालिसिस का अटैक पड़ गया था। अच्छा, तो उनको वो देते, तो जब वो मैं घर जाते तो वो बोलते मेरे सुंदर, अभी वो मेरे को बुला रहे कि मेरे सुंदरकांड का पाठ करना है। मैं बोल भाई देख, आने जाने का तेरा रहा, मैं सुंदरकांड का पाठ मैं कर दूंगी, यहाँ से उत्तराखंड जाना, उत्तराखंड से आना। तो पूजा में जब गई तो पूजा में मैं अपने घर से हनुमान जी के झंडे ले गई, मैंने हनुमान जी का, हमारे वहाँ क्या होता है भगवती की पूजा, तो हनुमान जी का, अब हनुमान जी का वहाँ पे स्थापना करी, झंडा लगाया, हाँ झंडा लगाया उस एक डंडे पे स्थापना, उनसे डंडा मंगाया हनुमान जी, उनका वो आज तक नहीं था। और उसके बाद मेरा भाई सब्जी भी काटते घर में, वो भी करते, सब कुछ काम करते वो, जब से मैंने वो हनुमान जी की स्थापना वहाँ पे करी, और उसके बाद देखो उनका अभी पैरालिसिस का अटैक है, सब कुछ काम करते हो स्वस्थ, हाँ अभी स्वस्थ हैं वो। अब वो मेरे को बोलते कि मतलब मेरा सुंदरकांड का पाठ करने तो घर आ जा, हालांकि वहाँ पे पंडित हैं, जेंट्स लोग हैं, लेकिन लेकिन उन्होंने कहा कि आप करें, लेकिन कांता जी के बारे में हम बताएं, आप लगातार भजन कीर्तन में लगी रहती हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करती हैं, और अच्छी बात यह है कि सुंदरकांड के पाठ से या भजन कीर्तन से जो कुछ भी अर्जन होता है आता है उसको आप फिर धर्मार्थ कार्यों में लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये कब से सिलसिला चल रहा है? ये 2011 में तो हमने जो कीर्तन के हमारे मेरे पैसे हो रखे थे उससे मैंने भागवत, देवी भागवत कर लिया, 9 दिन की भागवत थी। अच्छा, तो वहाँ पे वो भागवत कर ली, उसके बाद धीरे धीरे हमने चौकी की और सुंदरकांड का पाठ किया, रामायण पाठ किया है हनुमान जी के, इतने हमने 2-3 रामायण पाठ भी किए, चौकी अभी की करते करते, फिर हमने 2019 में यहाँ पे मेरे भगवती का वो फिर भागवत किया 2013 सेक्टर के पार्क में। अच्छा, तो 2019 में फिर वो वहाँ पे वो भागवत हुई। तो हमारा क्या होता है कि जैसे भागवत होती है ना, तो जैसे पूरा भगवानों का आह्वान होता है और हनुमान जी का जो दरबार लगा होता है, दरबार के वहाँ पर हनुमान जी को वहाँ पर रखा जाता है कि मतलब कोई भी मतलब वैसे गलत चीज़ें इस दरबार में अब नहीं आना चाहिए, लेकिन वो उनकी इतनी कृपा है कि वहाँ पे उनका आह्वान वहाँ पे होता है कि मेन गेट पे
हनुमान जी का हमारे यहाँ भागवत हमारे उत्तराखंड, कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ आए नहीं ना, आई नहीं हमारे उत्तराखंड के जो भी पंडित हैं तो वो मतलब ऐसा करते हैं कि मतलब वहाँ पे उनकी मतलब उनका आह्वान वहाँ पे होता है, एक थैला लगा देते हैं वहाँ पे रेड कलर का, उसमें जो उनकी दक्षिणा होती है उसमें डाला जाता है, तो वो जिस दिन संपन्न होता था उसी दिन वो थैला वहाँ से हटाया जाता है। तो इतनी हनुमान जी की तरह बिना हनुमान का कहीं सफल नहीं है, चाहे आप भागवत करो चाहे कुछ करो, जब तक भगवान जी का हनुमान जी का जब आह्वान है तब तक कोई कार्य सफल नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस बिना हनुमान जी के कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आप बातों के दरमियान बता रही थी कि हनुमान जी हर प्रकार का अमंगल अपशकुन सब रोक देते हैं, और आपके साथ भी ऐसा होता है। क्या होता है, हम चाहते हैं मेरी वैसे कहते हैं लेडीज का ये अंग फड़कना शुभ माना जाता है, लेकिन पता नहीं क्या प्रभु की कृपा है महिलाओं का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। और पर मेरा ये अशुभ होता है। अच्छा, आपके साथ उल्टा होता है? हाँ, मेरे पास पर अबोचित क्यों होता है, मेरा ये अशुभ होता है। तो जब मेरा ये अगर ये आंख फटकती है तो मुझे लगता है कि जब मेरे पापा भी एक्सपायर हुए थे तो मेरे ये आंख फटकती थी ना, मेरे पास हाँ, तो मेरे उस टाइम इतना नहीं था कि हनुमान ऐसा मतलब उतना नहीं, बच्चे ही थे हम तब तो मतलब तो मेरे को इतना नहीं था तो फटकती, तो बाद में पता लगे मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो ये आंख भी ठीक हो गई जब उनके एक्सपायर होने के बाद। मैं बोली नहीं ऐसा कैसे होता है। उसके बाद दूसरी बार जब मेरे ये आँख फिर फड़कने, मैंने कहा आ गई मेरे को वो याद, मैंने कहा ऐसा होता हुआ था उस टाइम, भगवान कुछ मतलब अमंगल मत करना, लेकिन थोड़ा मेरा ये आँख ठीक तो हुई, लेकिन मेरे भाई को पैरलाइज्ड का अटैक आ गया, लेकिन उन्हीं की कृपा से मैं जब उन्हीं के घर में गई और हनुमान जी के उनके घर में स्थापना की तो आज मेरा भाई सब कुछ काम करता है। हाँ, स्वस्थ है बिल्कुल, मतलब अभी बात बिल्कुल क्लियर आवाज आती थी, अब उनकी क्लियर आवाज नहीं आती थी। तो ये अब जब बाई आंख फरकती है आपकी तो क्या करती है? मैं हनुमान जी का नाम लूंगी। अच्छा। तो ये मेरी आंख ठीक हो जाती है। अच्छा, ठीक हो जाती हाँ, है। मतलब जो भी अरिष्ट आने वाला था थोड़ा वो कम टल जाता, कम हो जाता, लाइट हो जाता है। वैसे तो प्रभु की ऐसी लज जिस कान में जब जब होना है तब तो होता ही है, लेकिन जब हम हमारे भी कर्म भी तो कर्म प्रधान बताया हमारे शास्त्रों में, तो हम उस कर्म को करते तो वो बात जब हम वो उस चीज पे विश्वास करते तो वो चीज टल जाती है। जी, और अच्छा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, दो बातें जो है वो आपके बहुत ध्यान देने वाली है। पहला तो है कि जो भी ईश्वर के भक्त होते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा संकेत मिलना शुरू हो जाता है, और जितने ही प्रकृति के ईश्वर के आप से निकट होंगे तो संकेतों को पहचानने लगेंगे। तो आप जैसे ही आपकी बाई आंख फड़कती है आप समझते हैं कि लगता है कुछ अमंगल हो सकता है, तो फिर वहाँ हनुमान जी को याद करती हैं। हनुमान जी को याद करती हूं मैं, और कृपा हनुमान जी की, फिर सब ठीक भी हो जाता है, आंख फड़कना ही बंद हो जाता है और जीवन में मंगल भी हो जाता है। जी जी, इसलिए हम उसका तब उसके बाद हम अपना सुंदरकांड का पाठ करेंगे या किसी का होते रहते हैं, मेरे घर में तो सुंदरकांड होते रहते हैं, किसी को दो चार दिनों को बुलाएगा हमें नहीं, मतलब कि कोई आए या ना आए, कोई भक्त आए, आजकल तो हर किसी के मन की करना संभव नहीं है, लेकिन हमारे हम अपने कर्म करते हैं। अच्छा, ये बताएं कांता जी, चूंकि जीवन में कई तरह की, कई बार आपने कहा भी कि अपने कर्म भी हैं, कई बार होता है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके बारे में हमें स्वयं ही नहीं पता, पूर्वजन्म के भी हो सकते हैं, तो कुछ इस तरह की परेशानियां जब जीवन में आती हैं किसी के भी, तो आप चूंकि भक्ति भाव में लगी रहती हैं, आप कैसे पूजा आराधना करती हैं, कैसे प्रसन्न करती हैं ईश्वर को? वो तो हनुमान जी का तो संकट कटे मिटे सब राज, ऐसा है कि हम जो अगर अपना संध्या पूजा जब हम करते हैं, हम रहे ब्राह्मण समाज में पहले से ही, तो हम अपना पांच भगवान का आह्वान तो करते हैं। ब्राह्मण समाज में रहे मतलब उन लोगों के साथ उठना बैठना, हाँ उठना बैठना रहा, जैसे हर उसमें नवरात्र में हमारे पंडित जी पाठ करते हैं, अच्छा पाठ करते हैं, तो उन्होंने हमें को अच्छा बताया कि ऐसे हनुमान जी की स्थापना होती है, ऐसे उनका आह्वान होता है, ऐसे उनका विसर्जन होता मतलब है, उस संगति से आप संगति जान गए। हाँ, लेकिन अब हमें लगता है कि मतलब कि हाँ ठीक है, हनुमान जी भी ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, बट ये है कि हम अपने में अब मुझे लगता है कि मतलब सब उस पर निर्भर है, ईश्वर पे। हाँ, सब ईश्वर पे निर्भर है, सब उसे है, लेकिन हर किसी के साथ में बोलते हैं हनुमान जी है, हनुमान जी हैं। अगर हम आराधना, हम चाहते हैं कि भक्तों की अगर बताएं, चूंकि बहुत सारे जो महिला भक्त हैं जो आपको सुन रही हैं, वो चाहती हैं कि जब हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो संकल्प लेकर करते हैं। आप हम उससे बता भी रही थी कि आप संकल्प लेती हैं, आप तो प्रतिदिन संकल्प लेती हैं, कैसे लेती हैं थोड़ा? हम चाहते हैं सुबह जैसे हम अपने संध्या पूजा करते थे उसमें हम बिना एक बार सुबह का संकल्प हम जरूर करते हैं, तो उसमें मंत्र आते हैं ओम विष्णु 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 अहम द्वितीय प्रार्धरे श्री श्वेत बारह कल्पे वे स्वत्व
मंत्र अष्टाव सिंते कलयुगे कलिपस में बौद्ध प्यारे भूलोगे जम्बू दिवे आर्यवर्ते भारत से भरत खंडे गाजियाबाद क्षेत्रे अमुक नाम ने अमुक गोत्र है ना। तो इसे जिस कार्य से आप वो काम कर रहे हैं अपने मन इच्छा का जो तुमने वरदान मांगा है जो तुम्हारा पूरा हो गया है उसके नाम से ये करिष्यामि ऐसे कर जल वहाँ छोड़ दिया। ठीक है, वो ये होता है जो महिला भक्त या जो भी भक्त अगर संस्कृत उच्चारण नहीं कर सकते वो हिंदी में इसको हिंदी में कह सकते हैं। हाँ, हिंदी में कह सकते हैं भारतवर्ष रहने वाला मकान नंबर मेरा ये मकान ये मेरा नाम है ये मेरा मकान नंबर है ये मेरा गोत्र है इसको मैं मतलब साक्षी मान के ये दिन आज का तिथि इस दिन इस तिथि इस बार को मैं आपका आह्वान कर रही हूँ और मेरी मनोकामना जो भी हो पूर्ण हो गई है या पूर्ण करना इस इच्छा से मैं ये कर रही हूँ तो करिष्यामि है ना ये मैं करती हूँ। ऐसा करते हैं जी। अच्छा, आप बातों के दरमियान चूँकि अभी चर्चा कर भी रही थी आपकी बहुत सारे ऐसे चमत्कारी घटनाएं आपके साथ घटी हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत से लोग आपको स्वयं बुलाते हैं कि आप आ जाइए और मेरा पाठ कर दीजिए। हाँ जी, इसलिए इसके लिए भी लोग आपको आमंत्रित करते हैं बुलाते हैं। कुछ और आपके स्मरण में आ रहा हो जहाँ लगा हो कि ये तो संकट की स्थिति थी और संकट मोचन ने सब ठीक कर दिया। नहीं, जीवन में ऐसी घटनाएं तो काफ़ी आती थी। मेरा तो वही है कि मतलब जब हो गए मतलब वही है एक श्लोक संकट कटे मिटे सब मेरा जो सुमिर है नतल मेरा यही हाँ यही मेरा वो है। कई होती जब हमारे गृहस्थी जीवन होता था हम गृहस्थी जीवन में कई बार क्या होता है कि हमें टाइम भी नहीं मिलता है तो ऊपर वाले ने हमारे शास्त्रों में वो चीज़ भी कही गई है कि गृहस्थियों के लिए ऐसी पूजा है लेकिन हम अपने समय अगर समय समय का सब कहते समय का अभाव है लेकिन मुझे लगता है कि समय का अभाव नहीं है है ना। आप समय अगर निकाल सकते हो आप सोचते हो कि पूजा करना एक हम पहले पति की पूजा करते हैं या पति को लंच बनाते हैं या बच्चों को लंच बनाते हैं हमारा वो काम पहले ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर भाव है तो आप 3 बजे उठ के भी पूजा कर सकते हो। अच्छा, उस टाइम ना कोई डिस्टर्ब करता है ना कोई फ़ोन डिस्टर्ब करता है। आप उठ के अपना मंदिर रूम ठीक करो वहाँ पे सफाई करो भगवानों को साफ करो और जो भी है स्नान वगैरह भगवान का जो भी करते हैं उसके बाद अपने आराम से अपना नहा धो के उस टाइम भी आप कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी पहले पूजा कर लिया हाँ, और उसके बाद जो आपके दैनिक कार्य हैं हाँ हमारा हम 3 बजे उठते हैं अपना। अच्छा, और 3 बजे उठ के हम अपना मंदिर का सफाई करके अपने मंदिर भगवानों का नहाना धोना अपना स्नान भगवान का स्नान करके हम 3 बजे से लग जाता हमें टाइम वैसे हम घर की भी सफाई पहले 3 बजे उठेंगे घर की भी सफाई कर लेते हैं। प्रतिदिन आपका क्रम है? हाँ हम 3 बजे उठेंगे 3 बजे उठ के हम 1 घंटा थोड़ा उठने में टाइम लगता है 1 घंटा उठने में टाइम लगता है हम उस टाइम अपना 1-2 भजन की प्रैक्टिस भी करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें आगे जाके वो भजन उस दिन बोलना भी है। हाँ, तो हम सुबह उस भजन को एक दो बार रिपीट कर देते हैं। तो जैसे छोटे छोटे 1 भजन था कि राम सिया के मिलन से। अच्छा, राम सिया के मिलन से फूल बगिया मुस्काई कोयलिया कजरी गाए राम सिया के मधुर मिलन से फूल बगिया मुस्काए कोयलिया कजरी गाए ये उस टाइम का है कि जब राम जी और सीता का मिलन हुआ था। हाँ, उनका जब सीता जी फूल तोड़ने आ रही थी राम जी फूल तोड़े सीता जी गिरजा पूजने आ रही थी तो उस टाइम जब उनके एक दूसरे पे सब नजर पड़ती है तो उस टाइम का ये भजन है। पूरा मुझे याद नहीं है वैसे। फूल बगिया मुस्काए हाँ फूल हाँ फूल तोड़ रहे थे राम जी गिरजा पूजन आई जाने की छम 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 नुपुर बाजे और अंग अंग फड़काए भजन का बोल है। तो इतना अच्छा वो तो भजन 3 बजे स्नान क्रिया से अनुवृत्त हो गया ईश्वर की आराधना अमृत वेला होती है। मैं सब भक्तों को यही कहना चाहूंगी अमृत वेला होती है कोई नहीं कि तुम्हें समय का अभाव कोई नहीं है पूजा करने अगर पूजा करने चाहिए और अपने हिंदुत्व तो जगाना चाहते हो तो 3 बजे उठ के सबको अपना पूजा पाठ कोई वहाँ पे ठंडने लगती है दरवाजे बंद होते हैं आजकल विंटर सीजन में ऐसा तो है नहीं कि बाहर कुएं पे स्नान करना उसमें हाँ उसमें दरवाजे बंद है अपना गीजर है सब कुछ सुविधा है अपने पूजा करो तो कोई विलंब नहीं है पूजा में उसमें ना फोन आता हमारा जिस दिन अगर बाई चांस कभी हमारा मतलब टाइम इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा हम लेट उठेंगे तो हमें पूजा करने में विलंब इसलिए लगता है किसी का फोन आ जाता है किसी को जाता है पति को एक्चुअल में उनको ऑफिस जाना है बच्चों को स्कूल को तो वहाँ पर विलंब लगता लेकिन हम उस चीज़ को अपना
बैलेंस ऐसे अच्छा, बना लेते आप हैं। भक्ति भाव में लगी रहती हैं। हाँ, एक आम गृहस्थों से अगर आप बातचीत करें और बहुत बड़ी संख्या से गृहस्थों की जो कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, बेटे बेटी की शादी है, घर बनाना है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, इस तरह की चिंता कभी आपको नहीं रही? नहीं, सब उस पर कर्म करो, अपने कर्म पर छोड़ दिया। हाँ, सब उस पर छोड़ कर्म करो। हम तो कर्म जानते हैं। हमने कभी टेंशन करी नहीं कि मतलब कि ये आज मेरा लड़का या नंबर कम आ गए या आज क्या हो गया, उसको वही मंजूर है और वो तय है, वो पहले से तय है कि आज ये होना है। तुम लाख कोशिश करो, लेकिन जब लड़के लगे मतलब किसी को दामाद की जरूरत है या बहू की जरूरत, उसका माध्यम कोई बनता है, लेकिन उस आदमी को भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैंने ये किया तो वहाँ मैं आ जाता ना। अच्छा। तो वो थोड़ा गलत होता है, मतलब सब ईश्वर संभालते हैं, लेकिन वहाँ पे भी माध्यम वो बनता है। तो आपके साथ क्या हुआ? हम कभी हम कभी किसी को ये नहीं बोलते ये काम हमने किया, क्योंकि हम अगर पूजा पाठ करें हमें उस पर पूरा भरोसा है, और हम कभी हम नहीं बोलते कि हमने ये काम किया, तो सब ईश्वर की ऐसी कृपा है। तो आपके जीवन में सब कुछ सुगमता से चलता रहा? हाँ, मैं अपने जीवन में सबसे सुखी मैं अपने आप को समझती हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर मैं अमृत वेला में सुबह उठती तो उस पर बहुत ज़्यादा फायदा है। वहाँ पे आप अपने पूजा पाठ भी कर लो, उससे स्वस्थ भी रहते हैं इंसान। अपना अपने घर में हम अपने घर में झाड़ू भी करते हैं, हम पोछा भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, पति को भेजते हैं, और 11 बजे हम अपना टिप टॉप करके पूरा, क्योंकि 11 बजे अगर हमें फ़ोन आ गया तो हमने कीर्तन में जाना है, और हम अगर लेट उठेंगे तो हमारा घर गंदा रहेगा, हम कीर्तन में जाएंगे, सब कार्य भी लग जाएगा। तो इसलिए अगर हम 3 बजे उठेंगे तो हमारा सब कार्य। अच्छा, क्योंकि जो भक्त आपको सुन रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि आप तो इतनी भक्ति भाव में लगी रहती हैं, और एक आम गृहस्थ जब ईश्वर की आराधना करता है, जब हम लोग हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं, तो जो दायक फल चार, हम चाहते हैं कि चारों फलों की प्राप्ति हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सध जाए। तो अनुभव से बताइए अपने, आपके जीवन में क्या सब आसान रहा हनुमान जी कृपा से, ईश्वर कृपा से? सब मंगल ही मंगल है। मेरी 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 तो जब से लाइफ हुई मैं तो इतना मतलब हमारे घर में लोग, जैसे वैसे मेरे घर में एक बिल्ली भी है। अच्छा। एक कुत्ता भी है। अच्छा। डॉगी भी हमारा है। तो वो भी बड़े, उनको भी मैं खिलाती हूँ पिलाती हूँ। हस्बैंड ऑफिस भी जाते हैं, बेटा भी ऑफिस जाता है, डॉग भी है, लेकिन मुझे कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, कि सब मंगल है, क्योंकि मैं सुबह उठ के भगवान जी की आराधना करती हूँ, और हनुमान जी की इतनी कृपा है। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि भाई एक श्लोक बोलो पर हनुमान जी का जरूर बोले, सब भक्तों से यही, क्योंकि बिना हनुमान का कोई भी, क्योंकि आपका भरोसा है कि संकट मोचन, हाँ, संकट मोचन तो साथ में ही है। हाँ जी। एक और आखिरी हम चाहते हैं कि जिज्ञासा भक्तों की रहती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपसे भी लोग मिलते होंगे, घबरा जाते हैं लोग बहुत जल्दी। हाँ। कहते हैं कि ईश्वर सुन नहीं रहे। हाँ। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, न जाने कब सुनेंगे ईश्वर, ऐसे लोगों को? ऐसे तो मुझे ये लगता है कि मतलब ये सोचना, क्योंकि हर कोई ना सोचता कि मेरी अभी सुने, अब भगवान के लिए सुनने के लिए और बहुत सारे हैं, आप ही के कहाँ से सुन लेंगे भगवान। और एक तो अपने कर्म पे भी डिपेंड है कि अपने आप कर्म कैसे किया भगवान से। कई लोग बोलते हैं कि हमारा ये काम होगा भगवान तुमको तब देंगे, लेकिन नहीं, अभी मैंने जागरण भी करवाया, लेकिन जागरण भी मैंने इतना, जो भी मेरा कीर्तन का जो भी मेरा चढ़ावा आया था, जिसके घर के आया था उसका चढ़ावे लगा, मेरे जितना भी पूरे उसमें मैंने, लेकिन हर किसी का होता है कि हाई भाई संकट आ गया तो हम पे ऐसा हो गया तो हमें हम ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अगर धार्मिक काम पहले कर लो, जिस पैसे ने जाना है वो तो जाएगा, तो वहाँ जाने हॉस्पिटल जाने से उस पैसे का पहले तुम एक धार्मिक काम अगर कर देंगे तो वो पैसा हॉस्पिटल नहीं जाएगा। सब भक्तों से यही मेरी प्रार्थना है कि धर्म के काम के लिए ये नहीं कहें कि मतलब आज जब मेरे साथ अच्छा होगा तब मैं तेरा अच्छा पूजा करूँगी, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी घटना घट रही है तो हम अगर उस पैसे को पहले ही उसका अच्छा काम कर लेते हैं तो वो पैसा हॉस्पिटल नहीं जाएगा। पहली प्राथमिकता में धर्म को रखिए। हाँ, तो तुम्हारे साथ सारा मंगल मंगल होगा। अच्छा। उस पर तुम्हें विश्वास होना चाहिए। अब नहीं है तो हम तो इतने लोगों के विश्वास, अब नहीं है तो उसमें हमारी भी गलती नहीं है और भगवान जी की भी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, एक बार आजमा के सब देखें तब पता चलेगा कि मतलब क्या होता। अच्छा। है हम तो आजकल के समय में जहाँ चारों तरफ परेशानियाँ दुख संकट में लोग घिरे दिखाई दे रहे हैं,
आप बार बार चूंकि लगातार हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, निश्चिंत भी रहती हैं, कहती हैं मैं तो बेफिक्र रहती हूँ, तो ये कैसे ये भाव आ जाता है? ये तो आजकल तो हम इतना खुश हैं कि आजकल तो राम राज चल रहा है संसार हमारे हिंदुस्तान में है, योगी जी मोदी जी की इतनी कृपा है कि राम राज चल रहा है, तो इससे तो हम और भी इतने खुश हैं कि हम आपको कह नहीं सकते हम कितना खुश हैं। अच्छा, है ना, तो हम इतने खुश हैं कि मतलब प्रेरणा ये है कि मतलब एक बार हम भी, आप तो शायद हो आए अयोध्या, तो हम भी हनुमान जी अगर कृपा करें श्री राम जी के, हम पिछले साल गए थे, इस बार तो नहीं जाना हुआ। अच्छा, 5-7 महीने पहले गए थे। हाँ, तो हम भी भगवान से ये प्रार्थना करके हम भी जल्दी आए, इतना हमें भी खुशी है कि हम अयोध्या जाके आए। लेकिन मेरी 8 मार्च की वैसे टिकट है, अगर हो सके तो बुलावा आए राम जी हनुमान जी का, तो हम 8 तारीख भी अयोध्या जा सकते हैं। 8 मार्च को जा रही हैं। 8 मार्च को मेरी टिकट बनी है वहाँ की अयोध्या की, तो वहाँ पे उस दिन मुझे लगता, और 8 मार्च को यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर में, धुणागिरी बद्रीनाथ मंदिर है, उसमें 9 मार्च से भागवत है, श्रीमद भागवत है, भागवत वहाँ पे, अगर उस भागवत की से मैं नहीं जा पाई वो अलग बात है, लेकिन मेरे को उस दिन मेरी टिकट वहाँ की है, तो वहाँ पे भगवान सब में सबसे प्रार्थना है कि भाई वहाँ पे आएगा सबका सहयोग, ऐसे एक दूसरे से होता है ना, तो सब अपना सहयोग करें वहाँ पे, क्योंकि जो पुजारी हैं तो वो अपने आप ही वहाँ पे भागवत कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले बार वो वृंदावन गए थे, वहाँ से कोर्स करके आए पूरे भागवत का, तो उन्होंने एक भागवत कर चुकी है और दूसरी भागवत वो 9 मार्च से है, तो वहाँ पे भागवत भी है, तो भक्तों से भी अनुरोध है। यानी कुल मिलाकर संसार की खुशी में आप अपनी खुशी ढूंढती हैं, संसार में भगवान प्रभु राम का मंदिर बन गया है, तो ये प्रसन्नता तो हर ये प्रसन्नता हम तो बता नहीं सकते कितना खुश हैं हम राम मंदिर बन गए। बहुत बहुत बढ़िया भाव है आपका, और निश्चित तौर पे जो जगत का कल्याण जिसके हृदय में है, जिसकी इच्छा चाहत है कि संसार का मंगल हो, मंगल हो, चारों तरफ खुशियां हो, ईश्वर के चर्चे हो, ईश्वर का गुणगान हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में तो मंगल ही मंगल ही मंगल है। वो हमारे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी जानकारी दी, और हम आगे भी लेते रहेंगे किसी कुछ और अनुभव आपके हम भक्तों के साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री।